वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया कर प्लीज़ यार बैठ कर शांति से सोच कर समझ कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो यार प्लीज़, और लाइक कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। ओके, तो अभी मैं थोड़ी सी तोड़फोड़ मचा रही हूँ इसमें कि मुझे घर कहाँ बनाना है। तो मुझे घर बनाने के लिए जगह मिल गई है, लेकिन थोड़ा नाप लूँ किधर से क्या करना है। मिस्त्री बनना इतना आसान थोड़ी ना यार, आप सबको पता है। मैं सोच रही हूँ कहीं नदी किनारे हो मेरा घर। मैं पर्सनल लाइफ में भी सोचती हूँ कि मेरा कोई नदी किनारे घर हो, लेकिन सोचती हूँ अगर बाढ़ आ गई तो क्या क्या रहा है, पानी फिर जाएगा तो यार। लेकिन अब गेम की बात थोड़ी अलग है, गेम में तो यार अपनी दुनिया इमेजिन करती हूँ मैं। सच्ची बताऊँ तो अच्छा लगता है यार घर बनाना, लेकिन अब वही है, ये टैलेंट अगर हमारे अंदर वैसे होता कि हम पर्सनल लाइफ में बना सके तो कितनी बड़ी बात होती। फिर तो मैं अमीर हो जाती, अंबानी फेल था मेरे सामने, सच में बता रही हूँ। मैं ऐसे ऐसी इमारतें खड़ी करती कि जो फिर मेरा भी मतलब कुछ ना कुछ राष्ट्र में आ जाता, जैसे आगरा का ताजमहल। एनीवे, हम तो अपना घर बनाएंगे, छोटा सा पिद्दी सा सपनों का घर, जो मेरा सपना है कब से कि मैं एक छोटा सा घर बनाऊँ, एक छोटा सा रूम बनाऊँ जिसमें सिर्फ मैं रहूँ और मेरा भाई मुझसे कोसों दूर रहे। कुत्ता, खैर वैसे अपने भाइयों को गाली हर कोई देता है, मैंने दे दी तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। एनीवे, फटाफट अपना घर बनाते हैं। और घर बनाते समय गाइस ध्यान रखना कि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसे मुझसे शायद थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई हैं, बस बता देना यार घर कैसा है। महल तो नहीं बनाऊँगी मैं, छोटा सा जैसा मेरा सपना है कि मैं ऐसे घर में रहूँ। घर क्या, एक रूम हो मेरा बस, और एक छत हो, एक छोटा सा स्विमिंग पूल हो, और बस ज़्यादा नहीं 15-20 करोड़ रुपए हो, उतने में मेरा खर्चा भी चल जाएगा। नहीं ज़्यादा नहीं हो गया यार, बट 10-15 करोड़ मेरी पूरी लाइफ तक तो चली जाएगी। अब इतना नहीं कि अंबानी की तरह हाँ कभी यहाँ प्री वेडिंग करूँ, कभी वहाँ करूँ, कभी लंदन, कभी पंडन, तो मेरा इसमें काफ़ी काम हो जाएगा, छोटा सा घर बन जाएगा भाई, अपना फ्लाइट में भी आना जाना हो ही जाएगा 10-12 करोड़ में, 20 करोड़ में माने की मतलब पूरी ज़िंदगी तो कट जाएगी इन पैसों में तो। और किस चीज़ की, ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी खरीद लूँगी और क्या, काम तो फैसा नहीं फंसाने की यार। खैर छोड़ो, अंबानी गया अपने घर, अपना काम करते हैं। चलो यहाँ रात हो चुकी है एवरीवन, शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, जो भी है आपके सामने है। और यहाँ से मैंने क्या है, मशाल ले ली हमने, ठीक है। अब मशाल जला दिए ताकि थोड़ा उजाला, ओहो तोड़ दिया मैंने, अभी ऐसे लटका रहेगा उल्लू की तरह। एनीवे, अब ये मेरा भाई कमरे का मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे ये टाइल समझ लो यार, घर की दीवार पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ईंटें लगाओ कलरफुल वाले, मज़े ही मज़े। एनीवे, तो ये मैं पूरे घर में करूँगी, अभी मतलब दीवार में करूँगी, छत को छोड़ के चारों तरफ की दीवार करूँगी और फर्श। तो ये हमारा हो गया है सारा, और ओके गॉड हमारा मॉर्निंग भी हो गया, सुबह हो गई है बिल्कुल मस्त वाली। गाइस बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, किस किस को ऐसी सुबह पसंद है जो थोड़ी सी ठंडी हो यार, माइंड ना फ्रेश हो जाता है। एनीवे, यहाँ मैं अपना फर्श लगा रही हूँ, आपको ये कलर कैसा लग रहा है गाइस कमेंट में प्लीज़ बताना, कार्टून वाला वगैरह मत बताना क्योंकि मेरी चॉइस थोड़ी अनसट्टी है, मैं खुद मूड इंसान हूँ। एनीवे पागल मत समझना, थोड़ी बहुत हूँ भी, अब खुद के हम उसे थोड़ी बहुत बुराई भी करनी चाहिए, ये नहीं कि तारीफ ही करते रहो। उफ मैं एनीवे, अब यहाँ पे भी मैं ये बस लगा दूँ कि यही दिखे मेरा घर, छोटा सा पिद्दी सा। वैसे मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अब इसमें थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखना है, क्योंकि अब फर्श पे तो लेटने से रही, मैं बेड रखूँगी, अलमारियाँ रखूँगी, थोड़ी बहुत बुक्स रखूँगी, तो बुक्स मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, बट फिर भी रख लूँगी यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा घोड़ा जी हमारे छत के ऊपर चढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेशरम है यार, सही बता रहे हैं इनको, ठीक है। इधर छत बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइए, आग तो फालतू डिब्बे इधर लग गए, इनको रहन देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम ये थोड़ा मतलब भाई बॉर्डर ना पार करे कोई, तो इसलिए हम ये क्या बोलते हैं इसको, कटिया, अरे जो भी टटिया लगा रहे हैं, गांव की भाषा में बोलते टटिया लगा दो, चारों तरफ से घेरा लगा दो, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, और
ज्यादा हरा भरा ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने बस हरे भरे को साइड में ही रखा है, बस खाली बीच में गुफा बना के अपना घर बना दिया है। और काफी अच्छा लगा रहा है क्योंकि यार सुबह सुबह ये फैक्ट्रियां देखो, कभी धुआं निकल रहा है, कहीं कुछ रंग बिरंगे से, इससे अच्छा हरा भरा मौसम देखो, ताज़ा मौसम, इससे माइंड में। और मैंने साइड में थोड़े फ्लावर्स भी लगा दिए, तो आप लोगों को ये कैसा लग रहा है मेरा होम डेकोरेशन, प्लीज़ कमेंट मी, ओके कमेंट कर देना यार प्लीज़। और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर या न्यू सब्सक्राइबर हैं, या फिर कोई भी मतलब अनजान पर्सन देख रहा है, तो मुझे कमेंट कर दे प्लीज़ कि वो कहाँ से देख रहे हैं। वैसे करने में कुछ जा तो नहीं रहा है, पर कर देना यार, हमें भी अच्छा लगता है मतलब अच्छा लगता है यार, खुशी मिलती है जब हमारी वीडियोस को कोई कमेंट लाइक करता है और बोलता है हाँ दीदी मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगी, थैंक यू, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है खुद में। वैसे मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया है, सॉरी यार, इतना बोलने की आदत नहीं है वैसे, सॉ मतलब बोलने की आदत है यार, मतलब बोल गई माफ करना। इसे यार ना जैसे लोगों को ना टाइपिंग मिस्टेक होती है, वैसे ना मेरे बोलने में मिस्टेक होती है, बोलना हो कुछ और निकल जाएगा कुछ और, तो इसलिए ना कभी बुरा मत मानना मेरी बातों का। और क्या बोलूँ मैं यार, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन फिर बोलोगे कि बहुत बातों नहीं है, इसलिए बस वीडियो देखो आप सब गाइस प्लीज़, एंड मत मिस करना, बहुत ही अच्छा व्यू मैंने रिकॉर्ड किया है, प्लीज़ गाइज एंड मत मिस करना, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, बहुत ही सुंदर लग रहा है एंड, और देख सकते हो हमारा सूरज, वाह कितना अच्छा व्यू है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।